अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये सीएमई से प्यारे से मज़ेदार छजी पराठे के साथ छुटकू पराठा है ये। तो बच्चियाँ बस जी ज़्यादा थोड़ी डाइट कॉन्शियस हो जाती हैं। डाइट कॉन्शियस खैर जान दो है, डाइट के मामले में थोड़ी एहतियात कर दीजिए। बड़ा पराठा नहीं खाना, छोटा पराठा खाना है। घ्यो थोड़ा लाइयो है, देसी घ्यो वाला पराठा सी नहीं खाना। तो ये जी छोटा पराठा बन रहा है, जिन्ना डर होंगे कि असं मोटे ना हो जाइए। मैं क्या असं चंगे हाँ ना, सू शायद तो पहला टेंशन सी ना, सू शायद तो बाद टेंशन है। जो इंसान ने खाना वो इंसान ने खाना ही है, ठीक है। तो यहाँ जी बन रहे हैं पराठे आज। तो पराठे हम खाएंगे अचार के साथ, मुरब्बा है, दही है, थोड़ा आलू का मसाला पड़ा हुआ, उसका पराठा भी थोड़ा हम बनाएंगे, हम वो भी आपको दिखाएंगे। जो हमारा मसाला बच गया था उस दिन आलू का, तो मैंने कहा चलें ये पराठे और साथ आलू वाला पराठा भी। तो साथ चाय है, चाय ये देखिए टी बैग अंदर इसके रखे हैं, साथ इलायची है। दूसरी पत्ती मुक गई सी, बच्चों की स्टडी वास्ते एहतियातन मैं टी बैग रखे होंगे ने कि माइक्रो चलो गर्म करके राती तो चाह पीनी हो, तो वो मैंने इसके अंदर टी डाल दी है, दो कप चाय के अंदर। तो ये देखें जी पराठा, और ये उनका पराठा जी जो डाइट नहीं करते, मीन के मेरा पराठा। और मुझे पराठे से याद आया, मैंने अपने पराठे में उस दिन बोला था आलू वाले में कि आलू ये ना कहें कि मुझे बाहर क्यों निकाला। मेरी टेंशन सिर्फ आलू के पराठे तक थी। यहाँ पे कोई एक मेरी बहन आई है तो उन्होंने आगे कहा कि आपने हमारे लीडर का मजाक उड़ाया। मैं कहा जी हाँ, तो मेरे वहमो गुमान च गल नहीं सी कि हूँ ताड़ा लीडर कौन है या मैं ताड़े लीडर का मजाक उड़ा। वो तो एक नॉर्मल जनरल फन में मैं पराठा बना रही थी, तो मैंने ये कहा कि आलू ही है और आलू बाहर थे। देखिए कोई किसी को बाहर निकालेगा तो वो तो बोलेगा, चाहे फिर वो कोई भी हो, तो उसको अपने ऊपर ना लें। मैंने आपके लीडर पे बात नहीं की, ना मजाक उड़ाया, वो आलू के पराठे के आलूओं की बात थी। हूँ आलू के लीडर से तुम्हें फर्क नज़र ही नहीं आया, तुम अपने लीडर नू आलू नर ला छड़िया, कमाल है वैसे हैं। अपने जो हीरो होते हैं ना उनको हीरो के साथ ही मिलाते हैं। तो वो तो एक फन था जी, फन फन में मैं कुकिंग कर रही थी, फन फन में बोल रही थी। तो यह तो तुम सारी नहीं जुबाना जा के नहीं फाड़ सकते, कोई किसी भी वे में ये चीज़ को बोल देता है तो दिल पे ना लें। आपके लीडर को अलहमदिल्ला जी मुझे क्या फ़ायदा मिलना है, वोट लै के उन्होंने ना थानू पूछना है तुम किधर गए हो किधर नहीं गए, चाहे चाहे साढ़े लीडर भी हो, लीडर होते ही इस तरह। तो इसीलिए इस चीज़ों को इतना वो ना क्रिटिसाइज़ किया करें जी, आपने ये कहा तो वो कहा तो फलां को कहा, रब की जात जानती। मैं सिर्फ आलूआन ही आख्या सी, तुम आलूआन इन्नी अहमियत दे दीती है अपने लीडर न ला के। तो यहाँ पर हो रहे हैं जी अंडे फ्राई, तो मैंने कहा दो कट्ठे ही फ्राई कर ला, इस तरह मैं दो पराठे ठंडा हो जाए तो ठीक करे दो कर लें, ठीक है दो दो करके। और ये बन रहा है जी आलू वाला पराठा। तो देखिए इसके आलू हमने बाहर नहीं निकाले ना, मुझे अच्छे लगते बार बार किनारे तक आलू आए हों, थोड़े क्रिस्पी हों, तो मेरा वो मकसद था ऐसे आलू के साथ एक फल का। तो ये देखिए ये कितना अच्छा बना है, ये बस एक ही पराठे का पड़ा हुआ था मसाला, ठीक है जी। तो आम याद रखे ना गिले शिकवे इन चुके करे करो, जो सू पता ही नहीं होंगे है कि तू ते चाहती हूँ गलों तो आगे साढ़े भाग ही करेगा कि गलत चुनी भी नहीं, ठीक है। ये लें जी यमी सा हमारा पराठा रेडी हो गया, पक पका गया है, हल्की आँच पे ज़रा पकाएं, क्योंकि जो आलू का मसाला होता है पुराना वो थोड़ा सा पानी छोड़ देता है, प्याज पानी छोड़ देते हैं या आलू ही पानी छोड़ देते हैं। तो उसको दरमियान में ही आप जब रोटी पकाए उसको रखें, फिर उसको बेलने की बजाय हाथ से हल्का हल्का प्रेस करके तो हाथ में ही रोटी भी तुम ठंडो, तो मसाला जो है एंड तक आ जाएगा, जैसा कि मैं आपको दिखाऊँ। ये देखें वाह 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 ज़बरदस्त, ठीक है। तो चलें ठीक है, नाश्ता करते हैं, आप भी नाश्ता करें, आप ही भी आलू वाले पराठे बनाओ तो घर वाले में खवाओ। मूली वाले पराठे अबू जी को बड़े पसंद हैं, अल्लाह जन सिद्ध। जब मम्मी थी ना तो अब्बू ने अक्सर सर्दी में फरमाइश करनी, या मैंने कभी जाना जब जब जाती थी पुत्र मूली वाले पराठे तो फिर मैंने बनाने, फिर मेरे जब सिटी में रहे हैं तो यहाँ भी जाके मैंने बना के देने सर्दियों में जब चक्कर मेरा लगना। तो मूली वाले हमें बच्चों को ज़्यादा गोभी वाले, आलू वाले, या खाली नमक मिर्च अंदर टूड़ के ते घ्यो पा के, या चीनी वाले पराठे हमें वो अच्छे लगते थे। तो हमारे अब्बू जी को जो है ना वो मूली वाले बोले, पराठे थे मूली वाले, बाकी सब पराठे फजूल में। तो हमने कहा जी ठीक है, अगर अबू जी कह रहे हैं तो फिर अबू जी की वजह से फिर हमें थोड़ी मूली वाले पराठों की आदत पड़ी, वरना अब तो जी आलू चीनी मसाले दाल पालक साग गोभी वाले इन पराठों के पीछे ही पड़े हुए थे हम। तो ये ले जी नाश्ता, अंदर देखो अचार भी, ये मेरा अंडा है,
ये परोंठा है, ये देखें ये अभी खाते हैं, दोपहर के लिए रख रहे थे, मैंने इसलिए बना दिया कि मज़ीद मसाला पानी ना छोड़ जाए और वो बिल्कुल बेकार ना हो जाए। ये लें जी नाश्ते के बाद मज़ेदार सी चाय। देखिए चाय का रंग देखें कितना खूबसूरत है, यहाँ पर लाइट की कमी की वजह से लाइट को आयोडीन की कमी है। तो ये जी चाय है, हमने कहा चाय भी आपको दिखा दें। आलू वाला जो पराठा है वो हमने पूरा नहीं खाया क्योंकि साथ दूसरे पराठे थे, इतना हाफ छूट गया। तो ये चाय है जी, ठीक है जी, नाश्ता हो गया कंप्लीट। मैं कहती हूँ नाश्ता होता ही चाय के साथ कंप्लीट है, या तुम खाली चाय ले लो नाल चाय, तुम कुछ भी खा पी लो, चाय भी सर्दियों में लाजमी है। तो मैं तो सिर्फ सर्दियों में दो टाइम पीती हूँ, तो आप लोग बताएं आप सर्दियों में चाय कितनी दफ़ा पीते हैं। जो मेरे घर में बनती है ना वो सुबह और शाम बनती है, अगर कहीं चले जाएं तो कोई बना दे तो वो भी पी लेते हैं सर्दियों में, सर्दियों में तो अच्छी लगती है चाय। तो गर्मियों में मैं बहुत कम चाय पीती हूँ, बहुत कम, शायद कोई दिन में एक आध दफ़ा या दो दिन बाद चाय पी ली, वो भी कभी दिल किया तो, अदरवाइज़ तो चाय की इतनी शौकीन नहीं हूँ। हाँ सर्दियों में अच्छी लगती है सर्दी की वजह से। ये पीको नहीं कराई मैं, ये देखे जी साबा का सूट लैस बड़ी छेती सूट सी के पा ले भाई। मैं उस दिन दिता सी सो उन्हां ने सलंग काट के शाम तक, फिर जाके शाम तो बाद उन्हें पाया, दूसरे दिन इस्त्री करके फिर सी के मैं उत्थे जाना बाजी ते मैनूं पणा सूटने देना है। हां सारे सूट पा के वहां आने निकले, चार सन चार होते पंजवा हां सी पंजवा फरा वाला बाजी रूमा वाला छे सूट। हां जी हां नहीं मेरे ते चार ही सन। हां तुहाडे ते चार ही मिलना ही मुंडे दे आई है चीजा। हां जी दे के आई है। ठीक ठाक सी? बस शुक्र है ठीक है। बीमार होया फिर दस के चक दे मैं पैसे दे के जा, मैं क्या अगली बार दिता मेरे को हुन पैसे कुछ मैं कितों ले के आवां। हजार रुपए ले के गई थी मेरे को हुन 100 रुपए बचे। ते की ले के गई? टोपी जुराबा ते होर की फ्रूट को ले गए सा खाने तो मैं ले कुछ नहीं गई, जद गया सी कोई नहीं तो मैं कितों ले के जावां। कोई पैसा मांगदा सी मैनू दे के जा, वो मैं दिता उन्हें 200 रुपए दिता। यादे जंगल लैंड दे की करा की तो बोली गया खैर होवा रोजे दी खैर होवे परदारा ते सोने दी जाली जमन लेने दे। ये ले जी ये देखे कहंदी कमीज थोड़ी लुंडी है, मैं कहा थोड़ी लैस लेके लगवा लो तो अच्छा बन जाएगा, वो ना है ही इतना देखे बॉर्डर यहाँ तक है ते ओ थल्ले होर कपड़ा ला के तेनू मोड़ लंदी। नहीं ना किथों मोड़या गया वे पिछो में आओ थोड़ा थोड़ा ही आहो चल को नहीं लैस लग जाएगी तो ठीक हो जाएगा, बाकी ना नू क्या नहीं लैस ला के ला दे वे ओ अगदी सारे नू लैस ला लानी है। हां अगदी दुपट्टे ने मैं के मेरी नहीं दुपट्टे पीको बेबी पीको करा 50 नाल मेरे दुपट्टा बन जाने तो ओंजे लो ते 200 रुपए लगने ओही ना बेबी पीको करा ले सही सोहनी लगदी है। चल आ जा ही तरह के यहां देखो जी मैं अभी ऊपर आई हूं कुछ कपड़ों का करने के लिए, कुछ देखने थे कपड़े तो यहां तो जी बारिश हुई पड़ी है। हैं मैंने ये अब देखा है कि यहाँ पे तो ये देखे पानी ना, क्योंकि सब बच्चे स्कूल भी गए हैं तो बाहर नहीं देखा आज, तो ये देखें जो पानी शानी है, बारिश हुई पड़ी है अच्छी खासी हुई है बारिश, तभी मैं कहूँ ये देखे कावा भाई जान उड़ू बारिश हुई है पर इतनी नहीं हुई पर हुई है। ये देखे मंदिर अभी धुंध हल्की हल्की सी भी है और ठंड लगता होर होनी है, ठंड घटती नहीं। ये देखो चा खासा पानी है, अभी भी ना ऐसे लग रहा है जैसे ना बारिश गिर रही है। तो मैं यहाँ पे आई थी सूटों की वीडियो बनाने के लिए जो बच गए हैं, तो मैंने कहा दरवाज़ा तो खोलूँ ज़रा,
तो कल मैंने कहा था वीडियो में देखें एक चीज को नोट करें, आज भी जुराबे सना जी ने वही पहनी हुई है, एक और देखें, ये चीज नोट करने को मैंने आपको कहा था। और मैं कहाँ पहन के निकली हूँ कल जुराबे, ये कल वाली वीडियो मैंने बताया था, तुसी लोगों ने नोट करके जवाब ही दिता है। मेरी फिर अब नजर जुराबों में पड़ गई है, तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं कि कल ये सीन हुआ कि ये देखें दो जुराबे, वैसे कलर है कि बस आगे से फर्क है, ये भी डिजाइन सोना है जो असी पा लिए जी, ब्रांड जो असी कर लिए जी, वो डिजाइन है। इंज भी जुराबा चल दी ने, मामा ने घर इंज पाई होंगे ने, ठीक है। तो चलो जी मैं कपड़े आप लोगों को दिखाऊं, तो ये लें जी मैं आपको कपड़े दिखाऊं। ये बाहर का मौसम हमने आपको दिखाया, देखें बारिश थी, तो असल में आई थी कपड़े ऊपर देखने के, जो बाकी देखे उस दिन कितनी दुकान थी और ये सिर्फ इतने रह गए हैं, तो ये भी सेल आउट हो जाने जिनको चाहिए। हेलो लोए, तो पुरानी रोटियां तो रखी लगो, ये देखिए डी वन है, ये मेरे पास एक है। और एक बात मैं यहाँ पे सबसे पहले बताती चलूं, इंस्टाग्राम का जो है ना इनबॉक्स, वहाँ पे आप लोगों ने मैसेज करने ऑर्डर के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग आके डिटेल पूछते हैं तो मैसेज ऊपर नीचे हो जाते हैं, यहाँ पे इतना वो मैसेज याद भी नहीं रहते, फ़ौन रिप्लाई किया उसके बाद वो दोबारा आ जाए तो मुझे पता नहीं चलता। तो वहाँ पे इनबॉक्स पे एक आपकी चैट होती है, आपकी डिटेल होती है, वो सारा कुछ वहाँ मुझे पता चलता है। तो प्लीज़ प्लीज़ जिन्होंने सूट ऑर्डर करने हैं वो मेरे इंस्टा इनबॉक्स जाके मैसेज करें, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, कोड नंबर का देख लें, सूट देख लें जो पड़े हुए, तो प्लीज़ वहाँ पे आके आप लोग ऑर्डर करें। ये आप लोग बार बार यूट्यूब पे आके पूछते हो, यूट्यूब पे ना वो मुझे मसला होता है फिर। ये देखें डी वन है, टू ए एक पड़ा हुआ है, टू ए दो है, टू ए थ्री है, ठीक है ना, तीन टू ए में मेरे पास ये पड़े हुए, बस यही रह गए हैं। एक ही मेरे पास एट ए पड़ा हुआ है, और ये जो डी वन है ये मेरे पास दो पड़े हुए हैं, ठीक है। ये एट ए मैंने आपको बता दिया ना, ये एक ही पड़ा हुआ है। फोर ए भी मेरे पास एक है, फाइव ए है ये भी मेरे पास एक ही पड़ा हुआ है, और ये जो फाइव बी है ये भी मेरे पास एक पड़ा हुआ है, और सेवन ए ये भी एक है, टेन बी सिर्फ यही रह गया मेरे पास, बाकी इसमें जो थे टेन ए वो सेल हो गए हैं, तो टेन बी ये मेरे पास लास्ट पड़ा हुआ है, एट बी भी मेरे पास लास्ट रह गया है, और ये थ्री बी मेरे पास दो पड़े हुए। बहुत ही खूबसूरत कलर है, बहुत प्यारा आर्टिकल है ये वाला, मुझे पर्सनली ये कलर बहुत पसंद है। और ये सिक्स बी है, वेरी ब्यूटीफुल, फाइव ए है ये भी बहुत प्यारा है, और ये कौन सा है फोर बी, ये वाला ये फोर बी है और ये फाइव बी है, ठीक है। फाइव बी मेरे पास दो है, एक ये है और एक ये है, तो ये देख लो उस दिन कितने सूट थे, बाकी सारे जी पोस्ट हो गए, और ये किसी के पड़े हुए हैं, ये मैंने अलग से करके रखे हैं, ये उनको मैंने पोस्ट करवाने हैं। तो बाकी ये देख लें, डी वन टू है, डी इलेवन एक है, मैं दोबारा बोल दूँ, टू ए मेरे पास थ्री पड़े हुए हैं, एट ए मेरे पास एक है, फोर ए भी मेरे पास एक है, फाइव ए भी एक रह गया है, फाइव बी मेरे पास दो हैं, एट बी भी एक रह गया, और टेन बी भी एक है, सेवन ए भी एक है, सिक्स बी भी जी मेरे पास एक है, और थ्री बी मेरे पास टू है, एट बी भी एक है, फाइव बी भी एक है, फाइव बी सच दो हैं, ठीक है, और ये फोर बी और ये फाइव है और वो थ्री बी। तो ये जी आज के सूट हैं, आप लोग देख लें, ठीक है। और मुझे इंस्टा इनबॉक्स प्लीज़ ऑर्डर के लिए करें, यही मेरे पास है, ये मेरे पास आप जी माल मताब नहीं आना, ये आप देख लें, जिन्होंने यहाँ से चुकवाने हैं आप अपने लिए चुकवा लें, हम आपको दिखा देते हैं पिक्चर्स इनकी, आप लोग गौर से देख लें हैं कि आपको कौन सा सूट चाहिए। तो अब ये जी बस यही रह गए हैं, फटाफट आके ऑर्डर कराओ तो अपने अपने सूट चुकवाओ, इतों तुम सी पोस्ट करिए, बाकी सब पोस्ट हो चुके हैं, बस यही रह गए। मैंने कहा मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर दूँ कि मेरे पास अब यही सूट है, ठीक है। तो जैसे जी आपको पता है कि बच्चे आए हुए हैं, तो बेटे के साथ जी हम इधर होटल आए हैं, और होटल है जी बारह, और कल ही मैंने एक वीडियो देखी जो फिजा ली हमारी एक्ट्रेस हैं वो भी बारह की प्रमोशन के लिए गई हैं जी, सेम यही सब कुछ उत्थे भी सी ते इत्थे भी ये, तो वेख के बड़ी खुशी हुई जी कि फिजा अली लाहौर में और हम अपने सिटी में जो बारह है वहाँ मौजूद हैं।
तो मैं कहती हूँ महीने च एक दो बारी तुसी बाहर ना ना आओ तो बंदे लगता है जेल की जिंदगी गुजार रहे हैं। अब जिंदगी इंसान की ऐसे है, जब तक जी बाहर का खाना ना खाया जाए, मैं कहनी कुछ है थानू पचती नहीं, वो थाड़े साढ़े इंज खुले होंगे ने घर का खा खा के जी, हूँ असी बाहर भी खान जाना है। तो ये जी घर घर की कहानी है, बाहर जाके ना खाया जाए तो घर मंगवा लिया जाता है। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी सहूलत इतनी है जी, एक फ़ोन कॉल करो तुसी ते थानू चीज़ घर प्रोवाइड हो जाएगी। खैर यहाँ जी हमने मंगाए पहले गोलगप्पे, और गोलगप्पे हमारे आ गए, और गोलगप्पे जी इनके बड़े ही मज़ेदार हैं, मैनू तो बड़े ही चंगे लगते जे तो बड़े ही पसंद ने। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप घर बना सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो बिल्कुल आपको पसंद हो वैसी बिल्कुल घर नहीं बनती, वो वास्ते चार पैसे खर्च करने पैंदे ने। जुबान का जड़ा चस्का है, तो जी पेट जी अंदर आत्मा नचती कुदती है ना, इन्हें बड़े जलील किया है, ये कहीं खिलौने नहीं देती हमें। तो यहाँ जी आ गया उसके बाद हमारा सूप, तो जो सूप है इनका जो स्पेशल होता है बड़ा यम्मी, बड़ा ही मज़ेदार होता है। तो मैं आज यहाँ जी कुछ बात करती चलूँगी, साढ़ा भी बचपन है ऐसे ही, साढ़े भी माँ प्यो सन, माँ प्यो के प्यार जी कभी कमी हो नहीं सकती। तो हाँ जी हमारी अम्मी की कोशिश होती थी कि घर चीज़ें बनाई जाए, वध तो वध जी कभी सालन मुक जाना या सालन थोड़ा होना या मेरी तबीयत ना ठीक होनी या घर ना किसी वजह तो पक्या हो लेट हो गया हो वध तो वध ही साढ़े घर दही भल्ले आते होंगे सन, दही भल्ले रोटी खा लैन। तो साढ़े वास्ते उस दिन ईद का होंगे सी कि दही भल्ले पर हमने थोड़ी थोड़ी रोटी लगा के दही भल्लों के साथ खानी, और उसके बाद जी चम्मच के साथ इसको हमने इंजॉय करना होता था। तो ये होता था हमारा बचपन, और मैं कहती हूँ वो दौर बड़ा ही खूबसूरत था। अब तो जी सहूलतें बहुत हैं, अब तो आए दिन जी बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, बच्चों को बाहर खिला दिया, घर में भी चीज़ें बन जाती हैं, पर बाहर बह के मैं कहती हूँ अजकल दिया मामा मेरे समेत भी कभी कभी सुस्ती कर लेंदियां ने कि साढ़े भी अगे आके कोई डिशा लावे हैं, साढ़े भी कोई चाय करे, मैडम हम आपको प्लेट में डाल दें, मैडम आप खुद लेंगी, मैडम साथ आपको बोतल चाहिए। मैं कहती हूँ वक्त भी बड़ा ही सोहना लगता है, इंज पैसे भी देने हो तो खिदमत भी हो जी, बगैर पैसों तो मामा खिदमत कर दया ने है, कोई तुहानू उत्थे उजरत नहीं लभदी, उल्टा कई बार नुक्स निकल आते हैं, तो इतने नुक्स भी कढ़ दवो तो कहने कई बात नहीं मैम आइंदा जब आएंगी तो इससे अच्छा आपको पेशम करेंगे। तो खैर जी यहाँ पे फिंगर फिश आ गए, चिकन कबाब आ गए, और चाइनीज़ राइस जो थे चिकन मसाला राइस वो थे। तो पहले हमने गोलगप्पे इंजॉय किया, आपने देखा, तो बस ये देख के मुझे बड़ी वो हंसी भी आई चीज़ें देख के कि एक साढ़ा वक्त से असी खाली दही भल्या तो इंज राजी होंगे स, मैं कहती हाँ जिमें ढोल उत्ते धमाल पैंती है। तो यहाँ पे जी बस बेटा आया हुआ था तो मैंने कहा चलें आज बाहर जाते हैं एक दो दिन में, यहाँ हो सकता कल जी हम बाहर से नाश्ता भी करें क्योंकि इसके अब जाने का एक दो दिन बाद इसने वापस चले जाना है। तो यहाँ से जब हमने जी खाना खा लेना है, और इसके बाद साथ जो दूसरा हमारा एक ECS खुला है, ECS कहने लगी थी, ECS से जुतियाँ खान जाना सी ECS तो जी जूतों का है। तो यहाँ पे जी दूसरा जो एक साथ ही इनके एक और वो खुला है रेस्टोरेंट ES, वहाँ पे हम जाएंगे, तो वहाँ पे जाके जी कॉफ़ी पियेंगे। और आपको मैं पहले दिखा चुकी हूँ जब मेरी दोस्त एसलला बुखारी गई थी तो वहाँ उनको हमने इन्वाइट किया था। ये देखे जी यहाँ का एटमोसफेयर बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा। तो यहाँ भी आएँ, इंजॉय करें जी अपनी फैमिली के साथ। और ये था कि चलो चाय उधर से नहीं पी, इधर से हम चाय पी लें या कॉफ़ी पी लें। मैं कहती हूँ वही ना जो पेट दी आत्मा है ना, और हालत पकती रहती इंसान दी। तो बच्चे साथ हों तो फिर मेरा भी दिल करता है चलो बच्चों के साथ ज़रा टाइम ज़्यादा स्पेंड हो जाए, बैठने का मौका मिल जाता है, गपशप का मौका मिल जाता है, खाना पीना वो तो घर में भी चलता रहता है, तो घर में भी माशाल्लाह जी बनता रहता है। और ये जी शेक आया था कोल्ड कॉफ़ी ते विद आइसक्रीम सी, और ये जी दूसरी हॉट कॉफ़ी थी, और साथ एक छोटा सा जी कपकेक टाइप मफ़न के मफ़न जो भी था जी लाजवाब था। और चाय के साथ थोड़ी सी भी मैं कहती हूँ मीठी चीज़ हो तो आपको मज़ा आ जाता है। तो बच्चों ने जी अपने लिए मंगवाई थी हॉट कॉफ़ी, और मैंने मंगवाई थी कोल्ड कॉफ़ी क्योंकि लास्ट टाइम मैंने पी थी। तो मैंने उनको यही कहा कि हॉट कॉफ़ी का मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा जिस चीज़ का एक्सपीरियंस है मैं वही पीऊँगी। तो इसकी शक्ल वेखी किड्डी सोहनी सी है, तो इनू बंदा हिलावे जुलावे ना बस आने बंदा इनू रख के वेखदा रहे वोट यार है। तो ये देखें जी ये केक था विद क्रीम था, ये भी मज़ेदार था, और बच्चों ने जी कॉफ़ी को एंजॉय किया। कॉफ़ी इनकी बस ठीक थी, मतलब जिस तरह आप ये नेस कैफ़े वाली होती है जो वो मिलता पैकेट उस तरह का टेस्ट था। तो बच्चों को भी जी कोल्ड कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इसके बाद जी हमने जाना था बेटे के जूते लेने के लिए, उसको शूज़ चाहिए थे, तो हम आगे जूतों वाली शॉप पे हैं जूतियाँ खानी जूतियाँ लैन। तो यहाँ जी बस बेटे ने स्केचर्स के थे शूज़ वो लिए, बड़े कंफर्टेबल थे, बड़े अच्छे थे।
तो कीमतें भी मैं कहती हूँ जूतों की बड़ी हाई हो गई हुई हैं, पर मैं कहती हूँ औलाद के आराम सुकून के आगे पैसा कुछ भी नहीं है। तो जूता वो हो जो आपको इजी हो, जो आपको कंफर्टेबल है, आप ज़्यादा चल सकें। यूनिवर्सिटी में पहनना होता है, सीढ़ियाँ उतरनी चढ़नी होती हैं, तो मुझे ये होता है जो जूता हो वो आपके लिए आरामदेह हो। तो यहाँ जिसने कोई और एक दो भी चीज़ें लेनी थी वो लें, जूता लिया। तो आई होप आज का ये छोटा सा व्लॉग है मेरा मौज मस्ती वाला, और आप भी बताइएगा कि बचपन में आपके घर से बाहर से क्या चीज़ आती थी। तो हमारे घर में जी सिर्फ दही भल्ले आते थे, कोई पक्की हुई आंडी, कोई इन चीज़ नहीं सी आँधी, ना कभी बारबी के उबारो आया सी, ना कभी असी होटलिंग की थी सी। ये जो शादी के बाद, फिर शादी के बाद जी हस्बैंड ने आते डालने, फिर बच्चे हो गए, ज़माने नाल नाल असी भी टोर दे गए, तो ये जी इंसान की ज़िंदगी हो जाए।